बचो बहन, ये लो खंजर और ये आ, आ, ऐसे खोप खोप के मर जाओ। मर जाओ क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई इस भूगोल में जिंदा रहे। वैसे कंगना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कौन कंगना? मैं रज्जो हूँ। तुमने मेरी फिल्म के ट्रेलर नहीं देखे? उसी की प्रमोशन कर रही हूँ। रज्जो, रज्जो! ये किसकी आवाज है? ओ माय गॉड, अब नहीं मैं बच पाऊंगी लगता। ये ना यहाँ का मुनीम है। रज्जो, आई लव यू। एक मिनट, तुम रुको 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 यहाँ पे। मम्मा, मैं तुम्हें बचा लेती हूँ, एक मिनट रुको। ये दुपट्टा ले लो, तुम अपने आप को ढक लो, वो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएगा कि रज्जो कौन है और मुन्नी सेम फिगर है ना। अरे गाना भाई, गाने के बिना ये होने आते। ए रज्जो, ए अलमारी के पीछे क्या कर रही है तू? मैं अलमारी नहीं हूँ, मैं रज्जो हूँ, ये मुन्नी है। ये मुन्नी उन्नी सब पुरानी हो गए, अभी रज्जो का टाइम है बेड़ो, रज्जो का। शुक्रिया शुक्रिया। तो बस अब रज्जो का टाइम है और रज्जो आपके सामने है साहिब। ये रज्जो है कि सुज्जो है? मेरे को कुछ सुनाओ फिर मानूंगा। मैं सुनाती हूँ अभी। अरे कंगना रनौत ऐसा खटिया पे लेटी है और वहाँ के सिर्फ खींची है चोटी। ये हट रे बच्चा, हट। यहाँ पता नहीं क्यों खींचा चला जा रहा हूँ मैं। इसे कहते असली ब्यूटी। जितनी भी हीरोइनें आती है ना सबको यही कहता है। भगवान बंधन। और जितने हीरो लोग आते हैं उनके साथ तू क्या क्या करती है? अरे बहुत कुछ करती है। मैं आप हीरो बनो दो मिनट के लिए। हाँ कौन सा हीरो बनूं मैं? कोई भी हीरो बन जाओ बस, मेरे को तो वैसे करना है। ये आई लव यू ऐसे सब करती रहती है क्या? मेरा तो काम हो गया ना भैया। वैसे शादी के बारे में क्या ख्याल है कंगना? बहुत नेक ख्याल है, इसलिए मैंने शादी कर ली है। मिलोगे मेरे मदद से? शादी कर ली? जी हाँ। बुलाओ उस मरद को यहाँ पे। चंदू, ये है मेरा मरद चंदू। चंदू? कंगना आपने चंदू से शादी कर ली? यार ये बात हजम नहीं होती यार। मैंने पिक्चर के ट्रेलर देखे भैया, आप क्या क्या कर रहे हैं? गोद में बैठ के क्या कौन सा डायलॉग मार रहे थे? स्टडी कर रहा हूँ बाबा। बाबा स्टडी कर रहा हूँ? अच्छा बात स्टडी तक गई, नहीं तो इनका पूरा एग्जामिनेशन दिखा देते ना तो फिर पता नहीं क्या क्या होता। खबरदार मेरी बीवी के बारे में कुछ बोला दो। चंदू मेरे पे भाड़ा कर रहा है, देख रहे हो? यार ये कैसा लगता है यार सुनने में? कंगना में चंदू। घबराइए मत, मैंने चंदू से शादी सिर्फ फिल्म में की है और 15 नवंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, प्लीज देखिए और बाकी की स्टोरी फिल्म देखने के बाद जानिए। अरे अगर चंदू से शादी सिर्फ फिल्म में हुई है तो तेरा तो काम हो गया, हम लोग भी कोई फिल्म देखने चलते हैं यार। रज्जो देखने चलते हैं। चंदू चंदू कम चंदू को। और एक बार फिर जोरदार तालियां हमारी आज की स्टार रज्जो उर्फ कंगना रनौत के लिए, जिनकी फिल्म रज्जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है एंड आई एम श्योर कि वो बहुत पसंद आएगी सबको। कंगना आप हमारे शो पर पहली बार आई हैं, आई होप कि हम आपको उतना ही एंटरटेन कर पाए। प्लीज वेलकम भारती एज गांव की लड़की एंड सिद्धार्थ एज हर मदर। चमेली बुआ का सबको प्रणाम। चमेली बुआ। हाय चंपा। चंपा बुआ। ये चंपा मैं चमेली। अब चंपा और चमेली इस उम्र तक आते आते तेल निकल ही जाता। वैसे निकल जाता से याद आया हमारे गांव में शौचालय नहीं है। ओह गॉड। अब शौचालय नहीं, मैं शौचालय गई, मुझसे कहते 2 रुपया निकालो।
मैंने कहा साले वही निकालने जा रही हूँ, कल रात को निकल गई थी। खैर कंगना बेटी आई है, दूध मलाई खाई है, क्या बात है। कंगना बेटी तुम पीछे आई तो क्रिकेट खेल रही थी? जी नहीं, आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा? नहीं, बाहर चिल्ला रहे कंगना रनआउट, कंगना रनआउट। बेटी मैं चाहती थी मेरी बेटी तुम्हारे जैसी हो जी। लेकिन मेरी बेटी जो है वो अलग तरीके की निकली, अपने गांव में हीरोइन बनी घूमती रहती है, सब बड़े प्यार से बुलाते हैं, कल मुही आ जा, कल मुही आ जा। मेरी तरह तो टाइटल टैग ले नहीं पाई वो, करम जली का। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। बेटी रज्जू, रज्जू अम्मा हमारा गन्ने के खेत में बबलू के साथ झगड़ा हो गया। तो क्या बात है इसमें? अरे अम्मा हम तो सोच रहे हैं लाश को किधर ठिकाने लगाए। प्रधान का लौंडा मार दिया, लौंडा मार दिया प्रधान का। तो अम्मा हम क्या करते, उसने डब्बू को टपकाते हुए हमें देख लिया था। डब्बू को टपकाए दिया। बाप रे बाप। अम्मा यहाँ आओ ना, अम्मा हमको शहर जाके हीरोइन बनना है टॉप की। अम्मा प्लीज हमको शहर जाके ना तुम्हारी चाची अर्चना की तरह नंबर वन स्ट्रगलर बनना है अम्मा। मार चार। ऐसे कैसे स्ट्रगलर बनो, स्ट्रगलर नहीं है हीरोइन है। अम्मा कल ही तो बोल रही थी कोई नंबर वन स्ट्रगलर है। तब वो सामने नहीं बैठी थी, आज सामने बैठी है। अर्चना से याद आया मेरा तम्बाकू कहाँ है। अम्मा कहाँ है, इतना तम्बाकू खाती हो, रात रात भर खांसती रहती हो अम्मा। तम्बाकू से दोनों फेफड़े जल जाते हैं अम्मा, कई घर उजाड़े हैं तम्बाकू ने। और हम आप सबको बोल दे तम्बाकू हानिकारक है सेहत के लिए। अब इसके बावजूद भी अगर तुमको तम्बाकू खाना है ना अम्मा तो ये लो। सही गंदी कहीं की ऐसे, ये क्या है ये। तमाकू मुंह में ले घूम रही, संस्कार कहाँ गए तुम्हारे? हम संस्कारी औरत हैं। पता है हमका अम्मा, कंगना हमार अम्मा इतनी संस्कारी औरत है ना, एक बार नहा के टावल में ऐसे बाहर निकली, सामने ससुर जी आ गए, फट टावल खोला सर पे ढक लिया। तभी मैं सोचूं मेरा ससुर असुर बना क्यों घूम रहा है। अम्मा हमको मुंबई जाके हीरोइन बनना है अम्मा, अब तो देखो इधर के बाल भी कंगना की तरह उग गए हैं अम्मा। अम्मा हमको हीरोइन बनना है अम्मा, नहीं हमको नंबर वन टॉप की हीरोइन बनना है। नहीं नहीं अम्मा तुम क्या जानो इंडस्ट्री के बारे में अम्मा। क्या जानो इंडस्ट्री के बारे में तुम, गांव की औरत। हमको इंडस्ट्री वालों नहीं मालूम। कब बॉम्बे गई हो कंगना की तरह ऐसे 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 किया है? सब किया है हमने, हम तो गए थे राज कपूर के पास। हाँ वो नहीं था, उनके पास गए थे हम जाके बोले सुनो राजू मधुबाला से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। फिर क्या हुआ अम्मा? फिर मैंने मधु पे ऐसी लात मारी, आज तक तेरे बाद कोई बाला नहीं हुआ। मुंबई जाके और किसी से भी मिली थी अम्मा? सबसे मिले हम, सबसे मिले, देवानंद से मिले, हमें कहते जाने बाहर जाने गुजार, यहाँ आओ मेरे गले लग जाओ। मैं गले लगने गई, यहाँ लगू तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ लगू यहाँ से निकल जाए, वहां लगी वहां से निकल जाए। फिर हम समझे बम्बई में स्ट्रगल बहुत है। अम्मा इतनी दूर मुंबई गई और शूटिंग देखा ही नहीं? अरे शूटिंग पे भी गए थे, शोले की शूटिंग पे। शोले की? हाँ वहाँ सलीम जी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। हम गए, हमने स्क्रिप्ट पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा अम्मा? हमने कहा ये बताओ जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चलता कैसे? सलीम जी इमोशनल होके छू दिया हमको। कहाँ पर छुआ? अपनी एड़ी से मेरे दांत पे छुआ। कैसे? ऐसे ऐसे करके छू रहे थे। तुमको गुस्सा नहीं आया तुम्हारे मुंह पे लात मारा उन्होंने? बहुत गुस्सा आया, हम संजीव कुमार के मुंह पे ठाकुर बना घूमता उसके मुंह पे हुक्का मार के आए थे। कह रही हो? हाँ
हम पास गए, हमने कहा संजीव जी हाँ आप बहुत बड़े फैन हैं, हम बहुत पसंद करते हैं, आपसे अच्छा हमें कोई नहीं लगता। तो आगे से कहते मैं कहा हम तेरे फैन है, तू चिढ़ा रहा है। और किस किस से मिली अम्मा? फिर हम मिले नसीरुद्दीन से। नसीरुद्दीन, हमको पता उन्होंने वही डायलॉग बोला होगा जो हर एपिसोड में तुम बोलती हो। नहीं नहीं, हम गए, हमने कहा हमें गाल पे पप्पी दे दो। वो जैसे ही पप्पी देने आए हम घूम गए। लेकिन हमें लगा हमें नीचे वाला होंठ महसूस नहीं हो रहा है। हाँ? बाद में ध्यान आया उनका मुंह ऐसा है ना। अम्मा, हाँ? तुमने ये सब कर दिया, डायलॉग तो कोई सुना नहीं होगा उनसे। अरे डायलॉग भी सुने, हम नसीर साहब के पास गए, हम साथ हम दोनों गए लोटा लेके सुबह सुबह जंगल में। हाँ? वहां जाके नसीर साहब कहते राठौर साहब, मोहम्मद जहीर, इकलाक अहमद और खुर्शी लाला को मैंने मारा था। अम्मा, अम्मा हमको भी ना कंगना की तरह रैप शो करने से कपड़े गिराना है, कंगना की तरह बनना है। तुमने कभी ऐसा किया है? ऐसे गए कहीं इतना बॉम्बे में घूमी कभी? धत, कंगना जैसी तो हम थी। हम एक बार गए, हमारे कपड़े गिर गए, सारे गिर गए, खत्म, बलबला गए। फिर अम्मा? फिर हमने फटाफट कपड़े बटोरे, फटाफट थैले में डाले, 1 किलोमीटर दूर जाके बदले। 1 किलोमीटर? हाँ। का है? झाड़ी नहीं मिली थी किसके पीछे पहले। अम्मा, अम्मा हमको जाने दो ना। अम्मा हमारा आज रात का ट्रेन है मुंबई का, हम टॉप की हीरोइन बनेंगे, सब हीरोइन लोगों की छुट्टी कर देंगे। अम्मा तुम्हारे चपेट मुंह पे खींच के तुम्हारे, समझ में आई? ट्रेन से जाओगी, ट्रेन से नहीं जाना। हम भी ट्रेन से गए थे, अंदर लड़का घुसा है, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। कहा हुआ अम्मा चैन खींचना चाहिए था? 3 लोगों के खींच दिए, 1 साला लुंगी पहन के आया था। अरे हमने इतना रोका, हमने कहा रुक जाओ लुंगी वाला रुक गया, बाकी कहते हम थक गए। अम्मा अब हम बड़ी हो गई, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा रात हो गई, तुम चुप करके सो जाओ। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, सो जाओ चुप करके साली वड्डी। अम्मा हमारी हीरोइन बनने का सपना। बुढ़िया सो गई, लेकिन हम भी मुंबई जाके रहेंगे, टॉप की हीरोइन बन के ही रहेंगे। कैसे जाएं? हम ये खिड़की से कूद जाते हैं, लेकिन हमको तो चोट लगेगी। अम्मा की साड़ी से लटक जाते हैं, कैसे उतारे? आए आए आए, क्या कर रहे हो? ए प्रधान। अम्मा हाँ मैं रज्जो, तू कब से प्रधान बन गई? हम घर से भाग रहे थे इसलिए साड़ी खींच रहे थे। हीरोइन बनूंगी, हीरोइन बनूंगी, देखो कहीं की हीरोइन बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच, एक्टिंग। अम्मा ये लास्ट वाला हमसे नहीं होगा। अम्मा अम्मा तुम तो मुंबई गई हो ना, बताओ ना अम्मा टॉप की हीरोइन बनने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है? अब ये तो टॉप की हीरोइन ही बता सकती है। या या। अर्चना जी मैं टॉप की हीरोइन नहीं हूँ, कंगना से पूछ के बता दो। खुद पूछ लो। स्टैंडिंग ओवेशन देकर हमारे जजेस ने बना दिया है इसे आज का बिंगो एक्ट। सबसे पहले एक सवाल, किसने लिखा है एक्ट? हर्ष मैम, हर्ष लिंबा। हर्ष यू आर सुपर। भारती और सिद्धार्थ बहुत बहुत बधाई आपको, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं इतना हंसी हूँ, इतना मैं पिछले कितने दिनों में नहीं हंसी हूँ। और इतनी शैतान फैमिली अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाती है तो जरूर टॉप के ही एक्टर्स बनेंगे। बहुत बेहतरीन और बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू कंगना। फॉर्मेलिटी के लिए आप दोनों स्कोर्स भी बता दीजिए।
तो जजेस ने दिया है इस एक्ट को बिंगो यमी टोस टॉप 10। कंगना मैम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप इतना अच्छा बोलती, आपके इतने अच्छे बाल, इतनी अच्छी स्किन, मैं तो आते हुए देखा, मुझे लगा ही नहीं कंगना बैठी है, मुझे लगता है 1.5 किलो पनीर रख दिया किसी ने। आप इतनी अच्छी लग रही हैं, तो कुछ हाँ बिल्कुल टिप्स चाहती हूँ मैं आपसे कि अच्छी हीरोइन बनने के लिए एक अच्छी वॉक, सेक्सी वॉक होनी जरूरी है, अच्छा डांस आना जरूरी है, तो वो प्लीज आज आप मुझे करके थोड़ा सा बता दीजिए। डांस मुझे खुद भी बहुत कम आता है, मुझे आपसे भी कम आता है, मेरे से ये भी नहीं हो पाता मैम। ये पूरी स्ट्रेचिंग करती है, ये 180 स्ट्रेचिंग है जो मैंने क्रिश के लिए सीखने में कम से कम 6 महीने लगाए थे और आपने अभी कर दी। ओह माय गॉड, मैं 6 मिनट में कर दी है। प्लीज मैम थोड़ा सा मेरे को सेक्सी वॉक सीखना है। पता चला इसके बाद में जो रोल मुझे ऑफर होने हैं, ये सब सीख रहे हैं मुझसे धीरे धीरे। एक अच्छा सा डायलॉग सुना दीजिए। आप मेरे को बताइए को डायलॉग, मैं सेम फिर ऐसा बोल दूंगी। अरबाज, ऐसी क्या कमी है मुझ में, चुमुन्नी हुई बदनाम, कान आपने अपनी बीवी को दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? अरबाज, ऐसी क्या कमी है मुझ में जो आपने गाना मुन्नी हुई बदनाम अपनी बीवी को दे दिया और मुझे नहीं? गलती हो गई, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर रहा है। थैंक यू कंगना, थैंक यू। प्याज के बढ़ते रेट से यमी टोस्ट ब्रेक दिलाने आ रहे हैं मंत्रा एज प्याज, मुबीन एज शराबी एंड जैमी एज अ गोभी। माय सेल्फ अनियन उर्फ लक्ष्मीकांत प्याजे लाल, एड्रेस कांदावली, सेविंग बैंक अकाउंट इन ओनियन बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज योर ओनियन ऑल अबाउट मी? एक टाइम याद है अरबाज भाई, ऐसे हाथ में कांदा रख के यूं फोड़ दिया करते थे लोग। इस चक्कर में मेरे 2 कजन की मौत हो गई। फिर 4 कांदों ने उन 2 कांदों को शमशान तक कांदा दिया है कंगना जी। मेरे एक मौसी के लड़के को तो इतनी जोर से मारा, उसकी बेचारे की याददाश्त चली गई, खाया भी नहीं, किचन में पड़ा रहता है। सनक गया, बोले हम शहंशाह प्याजुद्दीन है। लेकिन कुछ भी कहो, जब मैं गरीब हुआ करता था तब मेरे माता पिता ने मेरी शादी करा दी थी गोभी से, लेकिन आई लव भिंडी, मुझे भिंडी से प्यार था। लेकिन कहावत है ना, जब किस्मत में है गोभी तो कैसे मिलेगी भिंडी। वेरी गुड कहावत। आ गए आप, पाए लागो। अरे हेड, झुकते तो बनता है नहीं इनसे, तू नमस्ते से काम चला लिया कर। हाँ नहीं तो इनकी अगर अठन्नी गिर जाए ना तो उठाने में 5 रुपए का खर्चा हो जाता है इनका। मैंने खाना बनाया आपके लिए। खाना इसके हाथ का खाना कभी नहीं खाना, रोटी इतनी काली इतनी कड़क बनाती है, अगले दिन बाई आके तवा छोड़ के इसकी रोटी मांझ रही होती है यार। खाने की खुशबू से आपको भूख नहीं लगी ना तो कहना आज पनीर 2 प्याजा बनाया है, किचन में जो 2 प्याज पड़े हुए थे ना पिछले हफ्ते से उसकी मैंने सब्जी बना दी। अबे वो प्याज नहीं, मेरे बुआ के लड़के थे। यार बाज भाई परेशान हो गया हूँ इससे, इस शादी से पहले इसके माँ बाप आए थे, मेरे को बोलते लड़की फूल जैसी है, लड़की फूल जैसी, फूल के साथ गोभी अटैच कर दी यार। अच्छा मैं श्रुति से शादी कर लेता। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या भाग्यवंती, तुम पेट से हो? नहीं खेत से। मैं बोल रहा हूँ क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि ना आप मुझे टाइम ही नहीं देते, 2 महीने हो गए हमारी शादी को, आपने एक बार भी मुझे गले से नहीं लगाया। अरे अगर गले लगाने से बच्चे हो जाते तो सलमान भाई के बच्चे ही बच्चे होते हैं भाई। ऐसे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, तुमसे मैंने शादी करके गलती कर दी भाग। बहुत बुरे आप, बहुत बुरे। हाँ कोई पंच है तो फोड़, फालतू की बातें करनी उस टेबल पे जाके बैठ, वेजिटेबल। एनीवे मेरे भाव बढ़ गए, अब मैं आराम करूंगा और देखता हूं कि कौन मुझे डिस्टर्ब करता है और कौन मेरे भाव कम करता है। ए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, आज मैं रखो दारू पीने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आज मैं आपका हर पिक्चर वाला परमानेंट प्रॉप यूज कर रहा हूँ। हर पिक्चर में दारू पीती है हीरोइनों की केस्टू मुखर्जी। सॉरी अरबाज भाई, मैं बहुत टेंशन में इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। अरबाज भाई बीवी छोड़ के चली गई मेरे को, मेरी नहीं पड़ोसी की। वो मेरे को बहुत लाइन देती थी, फिर मैं वो लाइन इधर आके बोलता था, आप लोग हंसते थे। शी वॉज वेरी
cooperative. And sometimes she was regal. सॉरी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे लोग दारू को बदनाम करते हैं, बोलते हैं दारू पीने से नुकसान होता है। मैं बोलता हूँ दारू पीने से फायदा होता है। सबसे पहला फायदा वाइन शॉप वाले को, और अगर मैं दारू पी के बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को, फिर अगर मर गया तो कफन वाले को, कपूर वाले को, मटकी वाले को, रस्सी वाले को, ठटरी वाले को, सबको फायदा होता है, और घी वाले को भी। मैं बोलता हूँ ये जो चेतन इतना घी डालते हैं, उतना घी अगर मेरे को पिला देते तो ये छोटी मोटी दारू पीने से मैं मरता। फिर अर्चना जी के सामने दारू की बात करो ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत सीनियर है इस मामले में। मैं आज खुल के दारू पीऊंगा, और दारू के साथ चकना अगर अच्छा होना तो मजे ही कुछ और है। ओए ओए इतना महंगा चकना, इतनी देर से सांस रोक के बैठा है। अभी क्या कर रहे हो मेरे को? अरे बचाओ बचाओ, ए बचाओ बचाओ, काको चिल्ला रही है। हाँ मैं कोई सफेद दाढ़ी वाला जवान बाबा हूँ? ये कैसी बात कर रहे? अरे आई एम अनियन लक्ष्मीकांत प्याजेलाल। प्याजेलाल है तू? हाँ। तो कटने से काय को डर रही, कट जा तू। अरे रुक जा रुक जा, आप इतने बड़े, आप ऐसा करिए, आप काजू खा लो, काजू। नहीं नहीं काजू नहीं, काजू नहीं, काजू एकदम तेज लगता है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं, बहुत तेज लगते हैं काजू। कैसा काजू है ये? बहुत तेज लगते हैं भाई, ये काजू नहीं है, लहसुन है। भाई साहब एक बात बताइए, ये आप शराब पीते रहते, ये शराब इतनी कड़वी क्यों होती है? क्योंकि ये गुजराती लोग नहीं बनाते ना। अगर गुजरात में बनती तो ये भी मीठी होती, इसीलिए तो उन लोग ने बैन करके रखा है। बोलते जब तक मीठी नहीं बनेगी हम बेचने नहीं देंगे। भाई साहब आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए। अरे गया था मैं डॉक्टर के पास भी, फिर मैं उसके पास गया, मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, तो बोलता है सीधा खड़ा रहे। मैं बोला ए, इसी की तो दवाई लेने आया हूं। तेरे को मैं काटूंगा, तू मेरे चकने के काम आएगा। नहीं प्लीज मेरे को कुछ मत करो। खबरदार अगर मेरे पट्टी को काटा तो। तूने मेरे को कुत्ता समझ के रखा है? काटा तो एक होने। ये मेरी बीवी है। अरे भाभी जी सॉरी सॉरी, भाभी जी आपको ऐसी हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए। बेबी गोभी पे बुरा असर पड़ेगा। बेबी गोभी? नहीं नहीं, अरे ये वैसी नहीं है, ये ऐसी है। ऐसी तेरी बीवी है? तो फिर कटने से काय को मना कर रहे तू? अरे तेरी जगह अगर मैं होता ना तो खेत से उगने को ही मना कर देता मैं। देखिए आप मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करते हो, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी ही हूं ना, और एक हिंदुस्तानी स्त्री चाहे वो गोभी हो या जो भी, अपने पति के लिए, उसके रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ए! और एक हिंदुस्तानी बेवड़ा, चाहे वो गटर में पड़ा हो चाहे नाले में, अपने चकने के जुगाड़ में किसी भी दुकान तक जा सकते हैं। चल एक काम करते, इसको छोड़ दिया, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा, आज तो जो भी खाऊंगा मैं चकने में। अगर मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो तेरी ये टिंडे जैसी आंखें, ये शिमला मिर्ची जैसी नाक, और ये मूली जैसी उंगली काट दूंगा। अरे काय का काटेगा ये मेरे को? अरे मैं कांदा उकांदा मैं लोगों की जेबें काट रहा हूँ, है कि नहीं? हेलो मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, अरे 5-5 रुपए किलो हुआ करता था, मेरे खानदान को उठा के ले आते थे, सारी सब्जियां फ्रिज में, मैं बाहर सड़ता रहा हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान का कांदा गोदामों में सड़ता रहेगा और इजिप्ट पाकिस्तान से कांदा हिंदुस्तान में आता रहेगा, वो दिन दूर नहीं है कंगना जी, मैं सब्जी मंडी में नहीं एटीएम से निकलूंगा। अरे ये कांदों का प्याजरी वाल, चुप हो जा नहीं तो देश दोबारा आजाद हो जाएगा। मैं तो केवल एक ही चीज कह रहा हूँ भाई, हमारे कांदे सस्ते करो, हमारे कांदे सस्ते करो, हमारे कांदे सस्ते करो। स्टैंडिंग ओवेशन देकर हमारे जजेस ने बना दिया है इसे आज का बिंगो एक्ट, एक बार जोरदार तालियां। आई वांट टू आस्क हु इज द राइटर? जी राज शांडलिया। राज, यू डन अ फैबुलस जॉब।
आई थिंक जिस कन्विक्शन से और जितनी ब्यूटीफुली ये चीज़ जो है इन लोगों ने डिलीवर करके हमको हंसाया है और उसके साथ में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है तो बहुत मजा आया और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मच मोर. थैंक यू कंगना. थैंक यू. टाइम नाउ फॉर दिस कोर्स. जजेस ने आपके इस एक्ट को दिए हैं बिंगो यमी चोज टॉप 10. एक तवायफ की प्रोफेशन से लेकर प्यार तक की कहानी लेकर आ रहे हैं कृष्णा एज तवायफ एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स. बहुत ज्यादा पैसा आ गया है साले. कल कोटे पे आया था पैसे नहीं दिए तूने. साले किस करता है. चल ला मेरा किस वापस. आदाब नहीं कह रही. कह रही हूँ आता माजी सटकली. आँखों से पानी निकालने वालों को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो आप लोग. नहीं नहीं प्याज की नहीं मंत्रा की बात कर रही हूँ मैं. एक मिनट रुको. मेरी तरफ से रखिए प्लीज अर्चना जी. कांदे वालों को स्टैंडिंग ओवेशन कम से कम 10-10 दे देना लहसुन पे. रज्जो रज्जो के लिए जोरदार तालियां और अब कंगना के लिए जोरदार तालियां. सालो रज्जो मैं हूं. अच्छा आपको पता है अर्चना जी पहले रज्जो पिक्चर में मेरे को लेने वाले थे. हाँ फिर डायरेक्टर ने बोला नहीं हम तो कंगना को लेंगे क्योंकि उनके बालों में कर्ल ज्यादा है. हाँ सच्ची में मैंने तो एक कैरेक्टर पे इतना वर्क किया था. सच्ची बता रही हूँ मैं तो अंडर आर्म भी कर्ल करा के गई. मैंने बोला बालों का छोड़ो मैं तो खुद कर्ल होके आ जाऊंगी पिक्चर में. अरबाज सच्ची बता रही हूँ बहुत सीधा आदमी हमारे कोटे पे आता पहले करता है. हमने बोला ये बाद में करो. इतना सीधा मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं हमारा 7 जन्मों का साथ है. जैसे इस पुलिस की सायरन की आवाज आती है फट से भाग जाते हैं. कंगना जी आप आई हैं सच्ची में ये ना सोचना कि आप सामने बैठे तो मैं तारीफ कर रहा हूँ. फिल्म इंडस्ट्री में मैं दो ही एक्टरों का फैन हूँ क्योंकि उन दो कलाकारों ने इतनी मेहनत की है. इतनी मेहनत एक आपने एक नसीर दीन ने. नहीं पता क्यों. क्योंकि इन दोनों के बालों में इतने वो कलर हैं इसके कंघी करनी इतनी मुश्किल होती है. ऐसे कर करके इतने पहुंचे क्या करना इतनी देर से लगा हुआ इधर बातें कर रहे कौन है. मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों का काम देखता हूँ. अच्छा। मैं शाहरुख का काम मैं देखता हूँ. सलमान का मैं कंगना का सारा हर कलाकारों का मैं ही काम देख रहा हूँ आजकल. सच्ची में यस. जब भी इनकी फिल्म लगती है सबसे पहले मैं ही जाके काम देखता हूँ. ठीक है साले. हेलो सही बता क्या काम करता है. अब मुझे तुम्हीं से बात करो क्योंकि मैं बच्चन साहब का पड़ोसी हूँ. अच्छा तुम बच्चन साहब के पड़ोसी हो. यस. कैसे. क्योंकि उनका 9 बजे प्रोग्राम आता है सोनी पे हमारा 10 बजे तो बिल्कुल आसपास ही होते हैं. काफी टैलेंटेड लगते हो मेरे को. बस ये ऐसे ही बस. चलो समझो मैं तुमको काम दे देती हूँ. अरे वाह आप देखो मैं कितना लकी हूँ आपने मुझे काम दिया. हाँ। अभी फोन आ गया आपका. हेलो या एक मिनट मैं पूछ के बताता हूँ. एक मिनट. हेलो कुछ नहीं कहती. कुछ नहीं कहती सर. ये इसने मुझे कुछ नहीं कहा. आपने तो पैसे देने हैं. कोई बात नहीं. एक और फोन आ गया बीच में. हेलो पूना में शो है एक. पूना का तो 10 लाख बोलना. ओके हेलो सर फोन काट दो. जब पेमेंट बताऊंगा तो आपने काटना ही है नहीं तो तोड़ ही ना बंद करो. काय का मैनेजर काय का फट चल निकल यहाँ से तेरी तो फट. खैर कंगना मेरे को पता है बहुत ज्यादा कर्ल का बहुत फायदा उठाया है. जब भी शो पे जाती है ना भप्पी लहरी से हमेशा पैर छूती है कि एक ना एक दिन ये आशीर्वाद तो देगा. जैसे हाथ रखेगा एक ना एक अंगूठी तो बालों में फंस जाएगी. मेरे को सब मालूम है. ऐसा चिढ़ाने का नहीं कोठे पे होके क्या कर रहा है. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं. कौन है. अरे नीचे लूंगी हाथ में बोतल भूल गया तो कौन हुआ देवदास. अच्छा लुंगी पहन के मतलब बैग लेके आता मैं तेरे को चिदम्बरम समझती फिर. हाँ चिदम्बरम है. अबे सच्ची बताओ मेरी पारो कहाँ है. अरे पारो आजकल वो कुकर बेच रहे हैं. हाँ पारो नहीं है. हाँ इसका मतलब तुम मेरी चंद्रमुखी हो. अबे नहीं यार चंद्रमुखी तो और भी बिजी है. हाँ कहीं बैठी ऐसे परफेक्ट परफेक्ट ऐसे करती रहती है. हाँ सच्ची में
पारो तेरे को छोड़ के गाय को गई? बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट सुनाना बाबा, टाइम नहीं है ज्यादा। एक बार की बात है कि मैं बाजार में खड़ा था, वहां मेरे सामने आके पारो खड़ी हो गई है। तुम जानते हो वो क्या कर रही थी? ए, पहले आई, पहले कर लो। ओके आइडिया। ए चैया 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 चैया। अब कहानी सुनो। एक बार की बात है, मैं बाजार में खड़ा था, वो मुझे मिली तो मुझे कहने लगी, अब बहुत बोरिंग लग रही है यार, तो फिर मुझे करने दो ना। अरे क्या कर रहे हो यार, ये क्या करते रहते हैं आप ये? एक्चुअली पहले मैं दिल्ली में कपड़े का काम करता था, मैं दिखाता था, ये देखो सलवार, ये देखो सूट। अच्छा, आप कपड़े का काम करते थे? हाँ। इस हिसाब से देव साहब तो कपड़े सुखाने का काम करते होंगे ऐसा। और सुनो, आजकल की लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना तुम, मैं बता रही हूँ तुमको। सही कह रही हो तुम, क्या पता कब कोई लड़की अंदर से लड़का निकला है। इसका मतलब तुमने मुझे पहचान ही लिया। अरे वो कृष्णा कहता था कॉमेडी करो कॉमेडी करो, तो मैंने सोचा आज मैं ही लोगों को आजाद हूँ अरबाज बन के। देखो जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मैं दिल में समाते हो तुम, ये तो बताओ मेरे कौन हो मैं? अरे मैं भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोगों ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ डायरेक्टर नहीं, हम अच्छे परफॉर्मर भी हैं। अब आप भी अच्छी परफॉर्मर करो, हमें नंबर दो। कंगना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी लगी, और जो मेरी फिल्म की थीम है उस पे उन्होंने इतनी अच्छी अदाएं, मैं तो पीछे रह गई बहुत ज्यादा आपकी अदाओं से, तो बहुत ज्यादा पीछे रह गई, और मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू कंगना। लेट्स स्टार्ट विद द स्कोर्स। 10 पॉइंट्स एंड अरबाज, 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। तो जजेस ने दिए हैं इस एक्ट को बिंगो यमी जोस टॉप 10। एक स्टार बंदर के ठाट और बूढ़े शेर के हालात दिखाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज शेर एंड बलराज एज अ बंदर। कंगना हाय। शेर को हाय बोलिए, शेर कुत्ते की मौत मर भी सकता है पता है। अब तो सिंगर ने भी बोल दिया है, कंगना करे इशारे, जरा सा ऐसे कर दो, मैं सच में बता रहा हूँ बना शेर हूँ, कुत्ते की तरह आऊंगा, बंदर की हरकतें करके जाऊंगा। खैर कंगना जी, आप हिमाचल से हैं जी? छोरी बड़ी छैल लगा दी तू, आप बांका छोरा तुझ पे सेट होना चाहता। बहुत अच्छी पहाड़ी बोल रहे हैं आप। बस जी आपके लिए सीखी है। मैं आपकी फिल्म देखी थी जी। तन्नू वैट्स मन्नू जी। लेकिन जितनी दारू पी थी उसका नाम होना चाहिए टन्नू वैट्स मन्नू। बूढ़ा हो गया, दिन बुरे आगे, हमारा बंदर हिट हो गया, उसका मैं स्पॉट बॉय हूँ आजकल। शेर दादा, यू आर माय स्पॉट बॉय। शर्म नहीं आती तुम्हें? जंगल के राजा को स्पॉट बॉय बना हुआ है, बचपन में इन्हीं पंजों पे तुझे खिलाया था मैंने, इन्हीं पंजों पे। तो पंजों के नाखून काट लेता, खिलाते खिलाते मेरा सारा पिछवाड़ा छील दिया कमीने ने। शेर दादा, मेरे को स्टोरी नहीं मिल रहा है, स्टोरी नहीं है मेरे पास अच्छी कोई। मैंने स्टोरी लिखी है, बस उस पे फिल्म बना दो, मैं सच में बता रहा हूँ बड़ी अच्छी स्टोरी है। तू तो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, स्टोरी कब लिखी तूने? 10 साल पहले लिखी थी मैंने। साले राइटर बनना है तो 10 मिनट पहले लिखना सीख, समझा तू? लेकिन एक बार मेरी स्टोरी सुन लो, बिल्कुल आप पे फिट होती है, सच बता रहा हूँ। चल सुना रे, मल्टी सिंह करेगा तेरी फिल्म। फिल्म शुरू होती है और इंटरवल। इंटरवल शुरू में क्यों? पहला हिस्सा बकवास है, किसी ने देखना नहीं, इसलिए। इंटरवल के बाद हीरो हीरोइन आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? हाँ। मैं जीतूंगा, मुझे कराटे आते। ओके हाँ। पर ये लड़ क्यों रहे? वो हीरो कहता है केला मैंने खाना है, हीरोइन कहती केला मैंने खाना है। फिल्म में केला नहीं आना चाहिए हाँ। केला मेरी चिड़ है। फिल्म शुरू करो। फिल्म शुरू होती है। स्टोरी रोमांटिक सीन। रोमांटिक सीन। हीरोइन रज्जो आ रही है। मैंने देख लिया उसको। स्कर्ट वो भी देख ली मैंने। तेज हवाएं क्या उड़ रहा है? जुल्फे उड़ रही है। कोई काम कीजिए उड़ा दे जरा। पत्ते उड़ रहे हैं। अबे काम की चीज उड़ा दे कोई। पर्दे उड़ रहे हैं। अबे काम की चीज का उड़ा दे। स्कर्ट उड़ गई, उड़ के पहाड़ों पे चली गई। स्कर्ट उड़ गई पहाड़ों पे चली गई क्योंकि वो तार पे टंगी हुई थी। तो हीरोइन ने क्या पहना है? नहीं हीरोइन तो सलवार कमीज में है। तो साले उसको स्कर्ट क्यों नहीं पहनाता तू? नहीं पहना सकते, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्कर्ट पे केले का प्रिंट है। आपने बोला केला नहीं। जो रोमांस नहीं करना। ओके एक्शन करा कुछ मुझसे। हीरो मंदिर के बाहर है। आज खुश तो बताओगे तुम। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा हीरो। चढ़ रहा है सीढ़ियां।
आगे प्रसाद के लिए लंबी लाइन। हीरो को वापस बुला। क्यों, क्या हुआ? क्यों साले, मुझे पता प्रसाद में केले बट रहे हैं, तू वापस बुला। अच्छा हाँ, हीरो हीरो वापस आ गया। वापस आ गया, आके गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि केले का छिलका इधर उधर पंजीरी बांट रही थी। हीरो को उधर पंजीरी की तरफ लेके जा। आओ, पंजीरी लेने गया हीरो। आ गया। पंडित के आगे हाथ किया, पंडित ने प्रसाद दिया और वो निकला केला। यहाँ तो पंजीरी बट रही थी। नहीं, आप लेट हो गए, पंजीरी खत्म हो गई, केला ही बचा। शेर हो के ना कुत्ते की मौत मरेगा मुझसे। तुझे मैंने बोला केला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। नहीं 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 आएगा केला, नहीं आएगा। आखिरी मौका तेरे पास। नहीं आएगा। कुछ इमोशनल सीन करा मैं। आप बहुत अमीर हैं, बड़े जमींदार। एक मिनट। हाँ, ये मेरी जमीन पे केले का पेड़ तो नहीं है ना? सारे नारियल के पेड़ है। फिल्म साउथ में, साउथ में। फिल्म साउथ में। सारे नारियल के पेड़। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मंकी। वहां पर आपको गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। गरीब लड़की? हाँ। आप उसके बाप से रिश्ता मांगने जाते हैं। पिंकू। प्लेट में गए अंदर, टेबल पर प्लेट, प्लेट के ऊपर काजू किशमिश पड़े हैं। साले ये कैसा गरीब है, काजू किशमिश प्लेट में? नहीं था तो केला, आपकी वजह से काजू किशमिश किए। तेरे को मैंने बोला है मुझे फिल्म में केला नहीं चाहिए साले। यहाँ से मुझे केला नहीं चाहिए। अरे मुझे केला नहीं चाहिए। इससे पहले ये केला पता नहीं कहाँ कहाँ पे लेके जाया, अबे नंबर दे दीजिए। कंगना कैसा लगा आपको ये एक्ट? अच्छा लगा मुझे, और काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे और काफी हम लोग हंसे, बहुत मजा आया। थैंक यू कंगना। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। 9 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना, 10 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। तो जजेस ने दिए हैं बिंगो यमी टोस्ट टॉप 10। ये हंसना हंसाना ऐसे ही चलता रहेगा, ओनली ऑन बिंगो यमी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली।